दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आप आपके ब्रोकर के टर्मिनल का इस्तेमाल करके एक ही सेकंड में मोर देन 2 या 3 ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो? नहीं ना। तो दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है और अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ खुद को चेंज नहीं करेंगे तो ज़माने से पीछे रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, आप 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, आप 1 सेकंड में एक ही साथ 400 ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। कल 24 अगस्त 2020 को ज़ीरोधा को इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से स्टार्टअप ऑफ द ईयर का यह अवार्ड मिला है दोस्तों, और उसी के चलते हुए ज़ीरोधा ने एक इंटरेस्टिंग फीचर हम लोगों के लिए लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है बास्केट ऑर्डर, जिसका इस्तेमाल करके आप टाइम, एनर्जी, ये सारी चीज़ें तो बचा ही सकते हो, साथ बाय साथ आप आपकी खुद की एक्यूरेसी भी बढ़ा सकते हो, और इस नए फ्यूचर को आप सेमी एल्गो प्लेटफॉर्म भी कह सकते हो दोस्तों। तो चलिए, मैं आपको ले चलता हूँ मेरी लैपटॉप वाली स्क्रीन पे और वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लाइव में समझाने की कोशिश करूँगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित अशोक पवार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मेक माय टिप्स में। दोस्तों, तो आज हम सीखने की कोशिश करेंगे ज़ीरोधा का जो नया फीचर आया है बास्केट ऑर्डर का, उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। लेकिन आगे जाने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। मैंने काफ़ी सारी बेहतरीन स्ट्रेटजीज ऑलरेडी इस चैनल पे पोस्ट करके रखी है और आने वाले दिनों में मैं काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज लाइव ट्रेडिंग के ऊपर लेके आने वाला हूँ, उसका बेनिफिट आप उठा पाओगे। आइए दोस्तों, ये ज़ीरोधा का काइट एप्लीकेशन है वेब प्लेटफॉर्म वाला। करंटली ये जो फीचर है बास्केट ऑर्डर वाला, ये ज़ीरोधा के वेब एप्लीकेशन पे ही अवेलेबल है। ज़ीरोधा ने थोड़ी देर पहले अनाउंस किया है कि आने वाले दिनों में वो मोबाइल एप्लीकेशन पे भी ये फीचर डिप्लॉय करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप इस फीचर का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको ज़ीरोधा का काइट एप्लीकेशन वेब प्लेटफॉर्म पे ही ओपन करना होगा। जब भी आप लॉगिन करोगे, यहाँ पे ऑर्डर्स के अंदर आपको एक बास्केट्स करके मेन्यू दिखाई देगा दोस्तों। जब भी आप बास्केट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से कुछ डिस्प्ले आपके सामने आ जाएगा, जैसे कि यहाँ से आप क्रिएट बास्केट कर सकते हो या फिर जो भी एग्जिस्टिंग बास्केट्स हमने बना के रखे उसको सर्च कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए, अभी मैं आपको सिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि बास्केट कैसे क्रिएट करना है और कौन से स्ट्रेटेजी के वक्त कैसे उसका इस्तेमाल करना है और उसका एग्जीक्यूशन कैसे करना है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा एंड तक जरूर देखना दोस्तों। दोस्तों, कल के ट्रेडिंग की तैयारी हमें एक दिन पहले ही करनी होती है। मार्केट ओपन होने के बाद आप ये नहीं डिसाइड कर सकते हो कि मुझे क्या बेचना है या फिर मुझे क्या बाय करना है। तो वैसे ही मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर हर रोज़ बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स एक दिन पहले स्टडी करता हूँ और सुबह पोस्ट करता हूँ। अगर आपको भी वो लेवल्स चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मैंने टेलीग्राम मेरे चैनल का लिंक दिया है उससे ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। तो आज के लिए कल के लिए लेवल्स मैंने ऑलरेडी मेरे सामने निकाल के ही रखे हैं, या आप वो लेवल्स देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कल के इस लेवल के लिए बास्केट बनाना है, ठीक है, आप सभी को पता है कि मार्केट करंटली एक अप ट्रेंड में चल रही है दोस्तों। तो अगर आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी कहीं पे भी सपोर्ट के आसपास मिलती है तो आपको अगर बाय का ऑर्डर प्लेस करना है तो आप आज ही, अभी ही, मतलब रात को ही इसका बास्केट बना के रख सकते हो। कल इसका सिर्फ आपको एग्जीक्यूशन करना होगा। तो फॉर एग्जांपल हम ऐसे नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल मेक माय टिप्स बास्केट, ओके, फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बास्केट को नाम देने के बाद आपको क्रिएट पे क्लिक करना होता है दोस्तों। जैसे आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करोगे, आपको एक नया विंडो, एक पॉपअप बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। ऊपर आपको बास्केट का नाम दिखाई देगा यहाँ पे। उसके बाद अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आपको निफ्टी अगर सपोर्ट पे बाय करनी है तो कल का निफ्टी का फर्स्ट सपोर्ट एज पर द मेक माई टिप्स के लेवल से आ रहा है 22,762 का। तो आपको अगर इस वाले सपोर्ट पे इसको बाय करना है तो आपको क्या करना होगा, बैंक निफ्टी फ्यूचर यहाँ से पहले सिलेक्ट करके रखना है। MIS मतलब कल आप इंट्राडे में ट्रेड करने वाले हो तो आपके अकाउंट में एटलीस्ट 17,000 रुपीज़ होने चाहिए एक लॉट के लिए। अभी आपको सपोर्ट पे बाय करना है तो ये वाला बाय का आपका प्राइस यहाँ पे आ जाएगा, जो कि फर्स्ट सपोर्ट का प्राइस है। जैसे आप प्राइस डालोगे और यहाँ पे रिफ्रेश करोगे ना दोस्तों, आपका एक्चुअल मार्जिन कितना लगने वाला है वो दिखाई भी देता है। तो कल अगर आपके अकाउंट में 29,000 रुपया है तो आप इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाओगे। अभी यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट वाला या फिर बाय या सेल वाला बटन नहीं दिखता हमेशा की तरह, यहाँ पे आपको ऐड का बटन मिलता है। जैसे ही आप इसको ऐड करोगे, आपके बास्केट में ये वाला सौदा प्लेस हो जाएगा, मतलब ये सिर्फ ऐड किया गया है अभी, ठीक है।
सिमिलरली आप निफ्टी भी यहाँ पे ऐड करके रख सकते हो, जैसे कि निफ्टी अगस्त फ्यूचर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, निफ्टी का सपोर्ट आ रहा था 11,418 का पहला, तो यहाँ पे आपको वो लेवल कॉपी करके पेस्ट करके रखना होगा, या फिर मेरे ही लेवल्स नहीं, आप खुद जब एनालिसिस करोगे आपके आपके अकॉर्डिंग जो भी सपोर्ट या फिर जो भी रेसिस्टेंस बनेगा उसके अकॉर्डिंग भी आप ट्रेड कर सकते हो। आपको एक दिन पहले यहाँ पे बास्केट सिर्फ बना के रखना है। ये मैंने बास्केट पे ऑर्डर प्लेस करके ऐड पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे अभी आप देखो यहाँ पे रिक्वायर्ड मार्जिन और फाइनल मार्जिन बता रहा है, दोनों में अमाउंट सेम ही बता रहा है, लेकिन हर एक स्ट्रेटेजी में ये अमाउंट सेम नहीं होता है दोस्तों। मैं थोड़ी देर में आपको बुल कॉल स्प्रेड जो है एक टेक्निक जो मतलब हेजिंग स्ट्रेटेजी है वो भी उसका भी बास्केट बना के दिखाऊंगा, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि रिक्वायर्ड मार्जिन और फाइनल मार्जिन में एक्चुअल में क्या अंतर होता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा ध्यान से ज़रूर देखना। तो अभी हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर में सौदे प्लेस करके रखे हैं। दोनों जब भी हमारे मैकमा टिप्स के लेवल्स के फर्स्ट सपोर्ट पे आएंगे तो हमें कल के लिए बाय करना है। तो अभी क्या करना है आपको, अभी एग्जीक्यूट पे बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है, आपको इसको क्लोज करके रख देना है। यहाँ पे देखो बास्केट में आपको और एक आपका बास्केट ऐड हो गया, मैकमा टिप्स बास्केट फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। कल मार्केट ओपन होने के बाद आपको सिर्फ क्या करना है, इस बास्केट को ओपन करके एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करना है। अभी अगर मैं एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करूंगा ना दोस्तों, तो वो मुझे फेल करके बताएगा मार्केट बंद है करके। ये देखो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, प्लेस ऑल टू ऑर्डर्स इन द सेम टाइम, यस फेल करके बता रहा है। यहाँ पे आपको मैसेज दिखाई देगा, मार्केट्स आर करंटली क्लोज राइट नाउ। ओके सो इस तरह से ये चलता है। ये तो हो गई एक बात। अभी तो बास्केट ऑर्डर का और फायदा, जो मतलब मेरे दोस्त रहेंगे जो निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी में हेजिंग करना पसंद करते हैं ना, उनको भी इसका फायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है। वहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड या फिर बियर कॉल स्प्रेड या फिर और कोई भी स्ट्रेटेजी कैलेंडर स्प्रेड वगैरह जब भी आप बनाते हो, तो वहाँ पे आपको दोनों भी आपके या फिर जो भी मल्टीपल सौदेस जो आपके रहते हैं वो एक साथ ही प्लेस करने होते हैं, और उसको एग्जीक्यूशन भी आपको एक साथ करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज रिस्क और रिवार्ड वहाँ पर ख़राब हो सकता है। तो जैसे कि अभी बियर कॉल स्प्रेड का हम एक एग्जांपल देख लेंगे। बियर कॉल स्प्रेड में होता क्या है, वहां पे आपकी दो लेग होती है दोस्तों, वहां पे आपका दोनों भी कॉल ही रहते हैं, लेकिन एक इन द मनी वाला रहता है और एक आउट ऑफ द मनी वाला रहता है। इस स्ट्रेटेजी में आपको ज्यादा प्रॉफिट तब होता है जब आपके दोनों सिलेक्टेड स्ट्राइक प्राइसेस में ज्यादा अंतर होता है। तो जैसे कि अभी देखो करंट मार्केट प्राइस निफ्टी की चल रही है 11,472 रुपए के आसपास उसने क्लोजिंग दी है। अगर आपको कल बियर कॉल स्प्रेड अगर आपको डिप्लॉय करना है दोस्तों, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, एक आपको सबसे पहले 11,600 का कॉल बाय करना होगा और 11,300 का एक कॉल आपको सेल करना होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि बाय वन आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन। ठीक है, अभी करंटली निफ्टी की प्राइस 11,472 चल रही है, तो आउट ऑफ द मनी मतलब 11,600 हो गया, तो वो आपको एक लेग बाय करनी है और एक इन द मनी वाला आपको कॉल सेल करना है। अभी इन द मनी मतलब डिप इन द मनी, तो यहाँ पे 11,300 आपको सेल कर देना है। तो ये स्ट्रेटेजी मैं अभी ओपन करता हूँ। यहाँ पे देखो निफ्टी अगस्त 11,600 का कॉल एक 12.30 रुपए की प्राइस पे चल रहा है, वो हमें बाय करना है, और निफ्टी का 11,300 का कॉल जो डिप इन द मनी है वो हमें 190 रुपए में बाय करना है। करंट मार्केट प्राइस इन लोग का बराबर चल रहा है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। ये देखो दोस्तों 11,300 190.95 चल रहा है, 11,600 का जो है वो 12.30 पैसे में चल रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करने के लिए आपका ऑर्डर एग्जीक्यूशन एट द सेम टाइम होना चाहिए, और देखो इसके लिए मार्जिन कितना रिक्वायर्ड लगने वाला है, 42,358 रुपीज़ आपका रिक्वायर्ड मार्जिन होना चाहिए, और फाइनल मार्जिन देखो यहाँ पे 28,000 का लगने वाला है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि रिक्वायर्ड मार्जिन और फाइनल मार्जिन हर बार सेम नहीं होता है। ठीक है, अभी आपको और एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। अगर इस सेल वाला जो आपका पोजीशन है इसको आप ड्रैग करके ऊपर लेके आते हो, तो नीचे अभी रिक्वायर्ड मार्जिन पे आप ध्यान देना। ये देखो 1,57,000 अगर आपके अकाउंट में रहेगा तो आपका ये अभी बियर कॉल स्प्रेड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे जब भी आप कोई भी बास्केट बनाओगे तो उसका सिक्वेंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दोस्तों। तो हमेशा आपको बाय वाला सौदा पहले प्लेस करना है और सेल वाला सौदा बाद में प्लेस करना है, ताकि आपका ज़्यादा पैसा उस सौदे में ब्लॉक ना हो जाए। फिर से एक बार देख लो यहाँ पे, जैसे ही मैं इसको ऊपर ड्रैग करके लेके जाऊँगा ना, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 42,000 मुझे मार्जिन ज़्यादा मांगने लगेगा। ये देखो कुछ इस तरह से। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखना जब भी आप बास्केट को यूज़ करोगे।
तो अभी मुझे अगर मेरे अकाउंट में 42,000 रुपीज़ है मेरे जीरोदा के अकाउंट में, तो मैं इस वाली बियर कॉल स्प्रेड को एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। जैसे आप एग्जीक्यूट पे क्लिक करोगे कल, तो आपके सौदे यहाँ पे तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएंगे। वैसे बुल कॉल स्प्रेड होता है दोस्तों, बुल कॉल स्प्रेड में आपको क्या करना होता है, एट द मनी वाला एक कॉल आपको बाय करना होता है और आउट ऑफ द मनी वाला एक कॉल आपको सेल करना होता है। तो जैसे अभी निफ्टी 11,472 चल रही है, तो मेरा एट द मनी करंट एट द मनी में यह आएगा 11,400 का कॉल आपको बाय करना है और 11,500 जो कि आपका आउट ऑफ द मनी है उसको आपको सेल करना है। तो ये देखो मैंने क्या किया, 11,400 एट द मनी वाला एक कॉल मैंने यहाँ पे बाय कर लिया है जिसका करंट मार्केट प्राइस 106.20 चल रहा है, और 11,500 जो आउट ऑफ द मनी है उसको मैंने सेल करके रखा है जिसका करंट मार्केट प्राइस 44 रुपीज चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी प्राइस, ठीक है। सिमिलरली अगर इसको आप ऊपर ट्रैक करोगे तो आपको मार्जिन ज़्यादा लगेगा, तो आपको हमेशा सिक्वेंस मतलब मेंटेन करके ही रखना है। तो ऐसे ही ये बास्केट फंक्शनलिटी का इस्तेमाल बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी करते हैं दोस्तों। मुझे मतलब ये नहीं बोलना है कि वो जीरोदा का ही बास्केट यूज़ करते हैं, उनके पास काफ़ी सारे एडवांस सॉफ्टवेयर्स रहते हैं जिनको एल्गो सॉफ्टवेयर बोला जाता है, उसका इस्तेमाल करके वो धीरे धीरे माल एक्यूमुलेट करते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसका भी मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल किसी इंस्टीट्यूशनल को ये मतलब रिलायंस में माल भरना है, तो वो किसे करेंगे, यहाँ पे रिलायंस बास्केट करके बना के रखेंगे, या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं रिलायंस बाय बास्केट, ये मैंने नाम दे दिया। और वो क्या करेंगे, कोई भी स्टॉक को जब भी वो बाय करते हैं तो वो एट अ टाइम सारी क्वांटिटी बाय नहीं करते, वो धीरे धीरे उसको एक्यूमुलेट करते हैं। अभी जैसे कि इसका क्लोजिंग आया 2082 का, इसको 2077 में 1000 क्वांटिटी बाय कर देंगे। जैसे वो थोड़ा और नीचे आएगा वहाँ पे उनको फिर से माल भरना होता है, तो यहाँ पे CNC मतलब डिलीवरी आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद 2064 पे आएगा, तो फॉर एग्जांपल उनको और 500 क्वांटिटी एक्यूमुलेट करनी है। ऐसे उनको अगर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उस हिसाब से वो अपने खुद के बास्केट बना के रखते हैं दोस्तों। 2044 पे फॉर एग्जांपल उन्होंने और 500 क्वांटिटी बाय कर ली है, और उसके बाद रिलायंस, ठीक है, फिर से 1000 क्वांटिटी उन्होंने फाइनल और बाय कर ली है। फॉर एग्जांपल हम मान के चलो 2030 पे, ठीक है। तो रिलायंस अगर दिन भर में गिरता जा रहा है तो वो लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे थोड़ी 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 क्वांटिटी एक्यूमुलेट करते रहते हैं। तो वो लोग सिर्फ बाइंग नहीं करते, अभी ये तो सिर्फ हो गया कि एक्यूमुलेट कैसे और क्या क्या लेवल पर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में वो कैसे करते हैं। लेकिन आज अगर रिलायंस डाउन ट्रेंड में है दोस्तों, तो वो सिर्फ बाइंग नहीं करते, वो क्या करते हैं साथ ही साथ, उनको तो ये पता है कि आज रिलायंस डाउन जा रहा है, तो वो यहाँ पे उसका फ्यूचर भी सेल करके रख देते हैं इंट्राडे या फिर नॉर्मल करके। तो मतलब फ्यूचर सेल पे भी उनको बेनिफिट होते रहता है और नीचे के लेवल्स पे वो माल भी एक्यूमुलेट करते रहते हैं। अगर मान के चलो इन्होंने ऐसे मतलब लाखों क्वांटिटी रहती है, तो मैंने आपको एग्जांपल के लिए 1,000 और 500 क्वांटिटी दिखाई हुई है, लेकिन यहाँ पे 5-5, 10-10 हज़ार क्वांटिटी उनकी रहती है। मान के चलो अगर उन्होंने 1,000,000 क्वांटिटी डायरेक्टली 2077 पे बाय कर दी, तो रिलायंस नीचे जाएगा ही नहीं और उनको बेनिफिट भी नहीं मिलेगा एक फ्यूचर शॉर्टिंग का, एज वेल एज उनको नीचे के लेवल पे माल भी एक्यूमुलेट नहीं करने मिलेगा दोस्तों। और एक बेहतरीन फ्यूचर जीरोदा के पास है दोस्तों, एक्सचेंज टुगल करके है, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि आप कोई कैश का स्टॉक सिलेक्ट करते हो ना, जैसे कि अभी रिलायंस बाय कर रहा हूँ मैं, या फिर सेल कर रहा है मुझे, मैंने ऑलरेडी बाय करके रखा है, अभी मुझे वो सेल करना है। तो सेल करते वक्त आपको सेल तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, लेकिन कई बार आपको देखो दोस्तों BSE में और NSE में अलग अलग रेट मिलते हैं, तो वहाँ पे भी आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। जैसे कि अभी इंट्राडे में तो आप वो नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपके पास कोई डिलीवरी पड़ी है, लेकिन अगर जो कि NSE में आपने ली थी, लेकिन BSE में 2-4 रुपये अगर आपको ऊपर का भाव मिल रहा है, तो आप तुरंत यहाँ पे BSE सिलेक्ट कर सकते हो और वहाँ पे उसको सेल आउट कर सकते हो दोस्तों। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा फ्यूचर जिसको मतलब जीरोदा ने लॉन्च कर दिया है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आई होप आपको ये बास्केट वाला फ्यूचर अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ डाउट्स है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं सारे आंसर सबको दे दिया करूंगा। अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपको लाइव ट्रेड करके दिखाऊं इस बास्केट के साथ, तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर भी मैंने दिया है, आप मुझे व्हाट्सअप या फिर कॉल कर सकते हो, मैं आपको लाइव मार्केट में भी ये बास्केट बना के उसका ऑर्डर एग्जीक्यूशन सिखा दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों
ऐसे और काफ़ी सारे अमेजिंग फीचर्स जीरोधा के पास ऑलरेडी अवेलेबल है और कुछ फीचर्स आने वाले भी है। अगर आप चाहते हो इन फीचर का लाभ उठाना, इससे फ़ायदा उठाना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अकाउंट ओपनिंग की लिंक आप लोगों के लिए प्रोवाइड की है, उसको फॉलो करके आप जीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हो। वंस अगर आपने जीरोधा में अकाउंट इस लिंक को फॉलो करके ओपन किया तो आपको मेक माई ट्रिप से ये सारे बेनिफिट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। दोस्तों आपको कहीं पे फिजिकली फॉर्म सबमिट करने की जरूरत नहीं होती है, सारी प्रोसेस ऑनलाइन होती है, विद इन 15 या 20 मिनट्स आपका अकाउंट ऑनलाइन ओपन हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर जल्दी मुलाकात होगी और एक नए वीडियो में, और वहाँ पे कुछ नया सीखने की कोशिश हम जरूर करेंगे। तब तक के लिए सेफ रहना और अपना ख्याल रखना। बाय बाय।